जरीना अपनी पहली बेटी को जन्म देते वक्त ही फोत हो गई थी जरीना के घर वालों ने उस बच्ची का नाम मरियम रखा था मगर जरीना के घर से हर वक्त मरियम के रोने की आवाजें आती रहती उसके घर वाले उसे प्यार तक ना करते उसे भूखा रखते यहाँ तक कि वो सूकर कांटा हो गई थी तभी हमसाई सलमा ने अपने शोर शफीक से बात करके मरियम को अपनी बेटी बना लिया शफीक सऊदिया मुकीम था सलमा की सास ने सोचा कि मरियम मेरे बेटे पर बोझ बन जाएगी तो वो मरियम पर जुल्म करने लगी और सारे घर के काम उससे करवाती और वो अक्सर भूखी सो जाती तो सलमा कहती अम्मा खुदा का खौफ करो बच्ची पर क्यों जुल्म करती हो तो वो सलमा को भी गालियां देने लगती एक दिन शफीक ने सलमा के लिए उम्र का टिकट भेजा तो मरियम रोते हुए बोली अम्मा मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ लेकिन सलमा उसे दिलासा देकर उम्रे पर चली गई और जब मिया बीवी उमरा करके घर वापस लौटे तो सामने का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई क्योंकि मरियम की सलमा ने छोटी सी मरियम को जब अपनी गोद में उठाया तो वो बिल्कुल किसी नन्ही परी की तरह थी, इतनी खूबसूरत गोरी चिट्टी सी बची सलमा की जिंदगी भर की हसरत एक लम्हे में खत्म होती हुई महसूस हुई वो तो उन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करती कम था जिन्होंने अपनी फूल सी बची सलमा के हवाले कर दी थी मरियम जब पैदा हुई तो पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी नन्ही बच्ची चीखती चिल्लाती रही क्योंकि उसे माँ की आगोश एक बार भी नसीब नहीं हुई थी वो किस कदर बदनसीब बच्ची थी उसके बाप के लिए बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था जो अभी अपनी बीवी के गम से ही नहीं निकल रहा था पड़ोसन सलमा ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और कहा कि इसे दूध बनाकर देती हूँ जरीना सलमा की पड़ोसन थी जो कि बेटी को जन्म देते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी ये दुख सलमा के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि जरीना और सलमा दुख सुख के साथी थे और आपस में बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी जरीना कशोर अक्रम भी बिल्कुल हवा से बाख्त होकर रह गया था क्योंकि उसकी बीवी एक नन्हे से वजूद को उसके सपोर्ट करके इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी भला वो इस नन्हे सी बच्ची को कैसे पालेगा क्योंकि जरीना की तो कोई बहन भी नहीं थी जिसके सपोर्ट वो इस बच्ची को कर सकता और जब सलमा ने उसे अपनी गोद में उठाया तो उसके अपने आंसू उस बच्ची के चेहरे पर गिरने लगे वो इतनी खूबसूरत बच्ची थी कि उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो उसे किसी और के हवाले कर दे वैसे भी वो उसकी पड़ोसन और उसकी अजीजुल जान दोस्त थी और सलमा के पास अपनी कोई औलाद भी नहीं थी वो अक्सर जरीना से अपने दुख सुख बांटती रहती थी कहती थी कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो जरीना तुम्हारे घर में अल्लाह ताला ने खुशखबरी भेजी है मगर मुझे देखो मेरी कोख कब से वीरान है एक औरत के वजूद को एक बच्चा ही मुकम्मल करता है मगर मैं तो बिल्कुल अधूरी सी औरत हूँ और अक्सर जरीना से शिकवे शिकायतें करती रहती थी और जरीना उसे तसल्ली देती थी कहती थी कि अल्लाह वहाँ से दर खोलता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है मुझे यकीन है कि जल्दी तेरी सुनवाई भी हो जाएगी मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी गोद भी हरी करे सलमा जब उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर प्यार कर रही होती तो उसे जरीना के वो अल्फाज याद आने लगे जो उसने कहे थे कि अल्लाह तुम्हारी भी सुनवाई कर देगा और तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा एकदम से सलमा के जहन में एक ख्याल आया जरीना के चालीसवे तक उसने उस नन्ही बच्ची को हर वक्त अपने सीने से लगा कर रखा उसे खुद ही दूध बनाकर देती थी और वो बच्ची उसकी गोद में यूं आराम महसूस करती थी जैसे सलमा सचमुच उसकी माँ हो वो बच्ची और किसी के पास नहीं जाती थी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती थी सब लोग परेशान थे जरीना का शोर भी इंतहाई परेशान था कि बच्ची का क्या बनेगा मगर चालीसवें के बाद सलमा के जहन में आने वाले ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया तो उसने अपने शोर को फोन किया जो कि सऊदीया में मकीम था वो सबसे पहले अपने शोर से मशवरा करना चाहती थी उसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहती थी उसने अपने शोर शफीक को फोन किया और कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी किसी और तरह से सुन ली है शफीक कहने लगा कि क्या मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो तो सलमा ने उसे बताया कि जरीना की मौत हो चुकी है शफीक को भी जरीना की मौत के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था क्योंकि जब भी वो वहाँ जाता जरीना अक्सर उनके घर भी आ जाती थी और शफीक को उसने अपने भाइयों की तरह समझा हुआ था शफीक को गहरा सदमा पहुँचा मगर जब सलमा ने उसे बताया कि वो एक नन्ही सी बच्ची को इस दुनिया में अकेला छोड़कर खुद चली गई है और उस बच्ची का कोई भी पुरसान हाल नहीं है उसका बाप खुद अभी इस हालत में नहीं है कि बच्ची को संभाल सके वैसे भी बच्ची को तो एक औरत ही संभाल सकती है एक मर्द के बस में एक बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल होता है सलमा शोर शफीक से बात कर रही थी वो उसे कायल कर रही थी अचानक उसने कहा शफीक तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब इस बच्ची का क्या होगा शफीक भी सलमा की बात सुनकर परेशान हो गया कहने लगा कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची के लिए भी कोई सबब बना दिया होगा क्योंकि जो बच्चे बिन माँ बाप के होते हैं वो भी तो इस दुनिया में ही रहते हैं सलमा कहने लगी कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ही इंसानों का मददगार बनाकर भेजा है मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची को हम गोद ले लें क्योंकि जरीना बिल्कुल मेरी बहनों जैसी थी और ये बच्ची जब से मेरे पास आई है बिल्कुल भी नहीं रोई बिल्कुल मुझे अपनी माओ की तरह समझ रही है और मैं तो खुद उसे छोड़ना ही नहीं चाहती मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं उसे किसी और के हवाले कर दूँ शफीक एक लम्हे के लिए चुप हो गया कहने लगा कि जैसे तुम्हें मुनासिब लगे अगर जरीना के शोर अकरम को कोई एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है मगर उसकी रजामंदी के बगैर हम उस बच्ची को नहीं रख सकेंगे क्योंकि बाद में मसले मसाइल पैदा होंगे सलमा ने शफीक को कायल किया के कि मैं अक्रम से बात करूंगी और फोन रख कर वो अक्रम के घर चली गई उसने मरियम को गोद में उठा रखा था जो कि उसकी गोद में खिलकारियां भर रही थी अक्रम ने जैसे ही अपनी बेटी को उठाया वो जारो कतार रोने लगी और फिर से सलमा के पास जाने की जिद करने लगी जैसे सलमा ने उसे उठाया वो खामोश हो गई अकरम ये माजरा देखकर बहुत हैरान हुआ कहने लगा ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है ये बच्ची तो तुम्हारे बगैर कहीं जा ही नहीं रही सलमा ने कहा कि इस मसले को हल भी किया जा सकता है क्योंकि इस बच्ची की कफालत तुम अकेले नहीं कर सकते इसे एक माँ की गोद की जरूरत है अकरम उसे सवालिया नजरों से देखने लगा कहने लगा कि इसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही मगर सलमा ने कहा कि मैं भी इसकी माँ हूँ माओ जैसी हूँ तुम ये बच्ची मेरे हवाले कर दो मेरे पास भी औलाद नहीं है अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा और मैं इस बच्ची को बिल्कुल फूलों की तरह रखूंगी और अक्रम एकदम बिल्कुल चुप सा हो गया फिर उसने सलमा को रजामंदी दे दी और कहा कि मेरी बेटी मरियम का ख्याल रखना उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखना क्योंकि ये मेरी बीवी की निशानी भी है सलमा खुशी खुशी मरियम को घर लेकर आई तो उसकी सास तेवरी चढ़ाकर उसे देखने लगी कहने लगी कि तुम किसका बच्चा अपनी गोद में उठाकर ले आई हो ले जाओ इसे वापस सास को सलमा का ये फैसला बिल्कुल भी नहीं भाया था कहने लगी कि तुम खुद तो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो अब दूसरों की औलाद पर कब्जा जमाने की ठान चुकी हो सलमा को अपनी सास की बातें कड़वी कोसीली तो लगी मगर उसने बर्दाश्त कर ली कहने लगी कि अम्मा बिन माँ की बच्ची है और मेरे पास ये बिल्कुल आराम से रहेगी आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी हमारे घर में रौनक लगी रहेगी आपको और क्या चाहिए मगर सलमा की सास काफ़ी ज्यादा सख्त जान थी उन्हें बस अपने बेटे शफीक से ही बच्चा चाहिए था मगर सलमा ने उसकी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया और दिन रात मरियम की देखभाल में लगी रही वो बेहद हसीन बच्ची थी बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी मगर न जाने सलमा की सास फितरी औरत थी जो इतनी खूबसूरत बच्ची को देखकर भी उसका दिल नहीं होता था। वो इस बच्ची को तंग करने का कोई भी बहाना हाथ से जाने नहीं देती थी मगर सलमा सबर और शुक्र के साथ बर्दाश्त करती रही क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे सबर और शुक्र का बहुत बड़ा अजर दिया था और सिला दिया था और जब इंसान को अजर मिलता है तो साथ ही कोई आजमाइश भी जरूर मिलती है और सलमा की सास उसके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं थी मरियम एक साल की हो गई तो अब वो कदम कदम उठाकर चलने लगी थी वो बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया जैसी लगती थी जब भी वो चलती थी सलमा के दिल में खुशी के लड्डू फूटते थे अकरम भी कभी कभार उसे मिलने आ जाया करता था मगर एक साल के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी बीवी में इस कदर मगन हो गया था कि अपनी बच्ची को भूलता जा रहा था वैसे भी मर्द काफी शक जान होते हैं और जब बीवी दूसरी आ जाए तो वो अपनी मुट्ठी में यूं कर लेती है कि पहली औलाद के बारे में कोई फिक्र ही नहीं रहती इसलिए उसकी दूसरी बीवी अकरम को कहीं और लेकर चली गई सलमा को कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि अक्रम पहले भी कभी कभार उसे मिलने आता था और मरियम का सारा खर्चा शफीक ही उठाता था जो कि सऊदी अरब में था मरियम को अपनी बेटी की तरह ही समझ लिया था और उसका नानो नफका वो ही भेजता था सलमा मरियम के साथ बे इंतहा खुश थी सारा दिन वो उसके साथ खेलती रहती और सास लड़ती रहती वक्त यूं ही गुजरता गया मगर सास का दिल पत्थर का पत्थर ही रहा अब तो वो और भी ज्यादा जुल्म और जबर करने लगी थी क्योंकि मरियम अब बड़ी हो रही थी वो सात साल की हो गई थी इन सात सालों में शफीक भी तीन चार बार पाकिस्तान में आया था और मरियम को गोद में बिठाकर प्यार किया था बिल्कुल एक सके बात की तरह क्योंकि उसने तो मरियम को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था सलमा भी अपने शोर के रवैये से काफी ज्यादा खुश थी मगर सलमा की सास अपने बेटे के कान सलमा के खिलाफ भरती रहती थी एक मेरी बूढ़ी जान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हर वक्त बच्ची में लगी रहती है मेरी हड्डियों में तो अब जान ही नहीं है कि मैं अपना कोई काम ढंग से कर सकूं मुझे खुद जरूरत है कि कोई मेरी दिन रात खिदमत करे वो शफीक के सामने आंसू बहाने लगती और शफीक खामोशी से अपनी माँ की बातें सुनता रहता क्योंकि वो जानता था कि सरमा हर लिहाज से एक अच्छी बीवी है वो कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी और सास तो वैसे भी अपनी बहू से कभी खुश नहीं होती चाहे बहू उसके लिए कुछ भी कर ले सलमा अपनी सास के गिले शिकवे खामोशी से करती रहती मगर उसकी सास काफी ज्यादा ड्रामेबाज थी जब तक शफीक यहाँ पर रहता उसकी नाक में भी दम किए रखती थी कि इस बच्ची की वजह से तुम दोनों की तवज्जो मुझसे हट गई है वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती थी और शफीक उसे चुप करवा देता फिर शफीक दोबारा से सऊदी अरब चला गया क्योंकि उसे वहीं पर काम करना था शफीक बहुत से पैसे मरियम के लिए भी भेज देता था और ये बात सास को खटकने लगी थी कि मरियम मेरे बेटे का खून पी रही है फिर भी मेरा बेटा अपनी सारी कमाई पराई बेटी और बीवी पर लुटा रहा है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और खटकने लगी थी उसका बस नहीं चलता था कि मरियम को घर से बाहर फेंक आए एक दिन भी उसे मरियम पर तर्स नहीं आया था वो तो सिर्फ अपने खून के रिश्तों के लिए अपनी मोहब्बत को निछावर करना जानती थी उसके लिए इंसानियत का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं था मरियम सात साल की हो चुकी थी और बहुत साबिर बच्ची थी कभी भी सलमा की सास के साथ बदतमीजी नहीं करती थी बल्कि उनका ख्याल रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी अब आहिस्ता आहिस्ता सास ने मरियम से छोटे मोटे काम करवाने भी शुरू कर दिए थे कि वो खुद ही घर से फरार हो जाए मगर मरियम खामोशी से उनका हर हुक्म मान लेती थी क्योंकि वो सलमा की सास को अपनी दादी दादी ही समझती थी, थी, मगर उसकी दादी बहुत जालिम थी। घर के सारे काम उससे करवाती थी सलमा भी बस खामोशी से अपनी सास का रवैया देखती रहती और सबर शुकर से जिंदगी गुजार रही थी मरियम भी बिल्कुल सलमा पर गई थी वो भी कोई वावेला और शोर नहीं मचाती थी उसने कभी अपनी माँ से या दादी से किसी बात के लिए भी जिद नहीं की थी वो इस कदर प्यारी और दिल को लुभा देने वाली बच्ची थी कि उस पर तो दुश्मनों को भी प्यार आ जाए मगर सास का दिल न जाने किस पत्थर का बना हुआ था जो मरियम के लिए एक लम्हे के लिए भी कभी नहीं पिघला था बल्कि शफीक जब भी मरियम के लिए वहाँ से खिलौने कपड़े और खर्चा भेजता था सलमा की सास को चुभन सी होने लगती थी वो बातों बातों में सुना देती थी कि अब मेरे बेटे की कमाई पर गैर भी पल रहे हैं ये भी दिन देखने थे मेरा बेटा वहाँ परदेश में अपना खून पसीना बहा रहा है क्या गैरों में सब लुटाने के लिए वो तो अपना सीना पीटने लगती थी और सलमा सर पकड़कर बैठ जाती थी मगर अब वो बड़ी हो गई थी समझदार हो रही थी अगर उसे भिनक भी पड़ जाती कि सलमा उसकी सकी माँ नहीं है तो न जाने इस मासूम के दिल पर क्या गुजरती क्योंकि उसकी सास तो हर वक्त ही वावेला मचाए रखती थी सलमा कभी कभी तो सास से कहती कि अम्मा खुदा का कुछ खौफ करें आपका दिल किस चीज का बना है कि मरियम जैसी प्यारी बच्ची के लिए नहीं धड़कता मगर सास और भी ज्यादा गुस्सा करती और सलमा बस खामोश होकर रह जाती एक दिन ऐसा हुआ कि सलमा खुशी खुशी अपनी सास के पास आई कहने लगी कि अम्मा अल्लाह ने मुझे अपने घर की करने का शर्फ बख्शा है सलमा की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि शफीक ने सऊदीया से सलमा के लिए उम्र का टिकट भेजा था सलमा ने इस दिन का ख्वाब कब से अपनी आंखों में सजा रखा था कि वो कब अपने खुदा के घर जाए और वहाँ उसका शुक्रिया अदा करे कि उसने मरियम जैसी बच्ची को उसकी गोद में डाल दिया था और उसकी कोख हरी कर दी है इसलिए खुशी से आंसू निकले जा रहे थे सास भी काफी ज्यादा खुशी महसूस करने लगी और सलमा को गले से लगा लिया कहने लगी कि मेरी बच्ची तू खैर खरीय से जा अल्लाह तेरा निगेबान हो और सलमा एकदम हैरान रह गई उसे तो लगा था कि शायद सास इस बात पर भी वावेला मचाएगी कि मेरी बेटे ने बीवी के लिए उम्र का टिकट भेज दिया मगर अम्मा के लिए नहीं भेजा मगर सास ने वावेला नहीं बचाया था मगर मरियम ने जब ये सुना था कि सलमा उम्रे पर जा रही है वो दिन रात रोने लगी रातों को बिस्तर में छुपाकर छुपा कर से रोती रहती थी क्योंकि जब से वो सलमा की गोद में आई थी एक दिन के लिए भी उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं नहीं गई थी अब उमरे के लिए इतने दिन उसे सलमा के बगैर गुजारने पड़ेंगे वो भी अकेली दादी के साथ जो की किसी जलाद से कम नहीं थी क्योंकि उसे दादी तो अक्सर खाना खिलाए बगैर ही सुला देती थी और सलमा को कानो कान भिनत तक नहीं पड़ती थी और ना ही मरियम ने कभी शिकवा किया था अब न जाने मरियम का क्या होगा ये सोचते हुए रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी जब सलमा ने मरियम की ये हालत देखी तो उसे दिलासा देने लगी कि मेरी बेटी बस चंद दिन की बात है मैं अपने रब के हजूर हाजरी लगाकर तुम्हारे बाबा के साथ आ जाऊंगी फिर मैं मरियम और मरियम के बाबा हमेशा साथ रहेंगे वो उसे प्यार करते हुए कहने लगी। मरियम थोड़ी देर के लिए तो खामोश हो जाती मगर रात को फिर से रोने लगती उम्र पर जाने के दिन करीब आ रहे थे और मरियम को तो जैसे हर चीज से दिल अचाट हो गया था हर वक्त उसे अम्मा के जाने का धड़का सा लगा रहता मगर वो जुबान से कोई शिकवा नहीं करती थी क्योंकि वो ऐसी बच्ची नहीं थी जो जिद करे या शिकवा करे वो जानती थी कि उसकी माँ की कितनी बड़ी ख्वाहिश है उमरा करने की वैसे भी उम्र से वापसी पर उसकी माँ उसके बाबा को अपने साथ ले आएगी फिर वो तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे जिसमें कोई दुख या आजमाइश नहीं होगी मरियम ये ख्वाब आंखों में सजा कर चुप हो जाती इस बात से बेखबर कि इस मासूम कली के ख्वाबों का गुलिस्तान उजड़ने के लिए कोई घात लगाए बैठा है सलमा अपनी सास के हवाले से परेशान थी कि न जाने वो मरियम के साथ कैसा सलूक करेंगी इसलिए उसने बातों ही बातों में सास को समझाने की कोशिश की कि अम्मा मरियम का ख्याल रखना ये नन्ही बच्ची है घबरा जाती है रात को इसे अपने साथ ही सुलाना क्योंकि ये मेरे बगैर सोती भी नहीं है इसे डर लगता है और सलमा की सास ने उसे भरपूर तसल्ली दी थी कि मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे बिन माँ की बच्ची के साथ जुल्म करूंगी और सलमा अपनी सास की बात सुनकर हैरान तो हुई थी मगर खुश भी हुई थी कि चलो अम्मा की अकल पिछली उम्र में ही ठिकाने आ गई, इसलिए वो बेफिक्र सी होकर उम्रे पर चली गई, मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी सास किस कदर चालबाज औरत है क्योंकि उसने तो मरियम का सौदा किसी के साथ तय कर रखा था और सलमा के जाते ही उसकी सास मरियम को सौदागर के हाथों बेचने वाली थी कुछ दिन तो सास मरियम के साथ रही उसका ख्याल भी रखा क्योंकि उसके जहन में था कि मरियम तो यहाँ अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है फिर उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा वो दिल ही दिल में खुशी महसूस करती थी कि इस बोझ से उसे जल्दी छुटकारा मिलने वाला है क्योंकि जब से मरियम इस घर में आई थी सलमा की सास पर से सलमा की हट गई थी और शफीक भी अब अपनी माँ को कम पैसे भेजता था और ज्यादा बीवी और बच्ची को भेजता था और सलमा की सास को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था इसलिए वो मरियम से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की ठान चुकी थी चंद दिन गुजरने के बाद उसने मरियम के लिए एक अच्छा खासा पैसों वाला ग्राहक ढूंढ लिया जो काफी ज्यादा रकम अदा करके मरियम को खरीदने वाला था और एक कोठे पर बेचना वाला था और उसे डबल मुनाफा कमाने वाला था क्योंकि मरियम बे खूबसूरत थी वो मासूम बच्ची जिसे पता भी नहीं था कि कोई उसकी घात लगाए बैठा है एक रात वो सो रही थी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया और मरियम बेहोश हो गई वो गाहक उसे अपने ठिकाने पर ले गया जहाँ पर मरियम की उम्र की और भी बच्चिया सहमी हुई बैठी थी और अपने माँ बाप को याद करके रो रही थी मरियम भी हजारों कतार रोने लगी और अपनी माँ को याद करने लगी उधर जब सलमा और शफीक उम्र करके घर वापस आए, तो सास ने अपना सीना पीट लिया कहने लगी कि मैं तो पहले ही कहती थी इस बच्ची को अपने घर में जगह ना दो ये बच्ची बड़ी शैतान है किसी दिन जरूर गुल खिलाएगी एक रात में सो रही थी और ये घर से भाग गई। उसने अच्छा खासा ड्रामा रचाया था और खूब आंसू बहा रही थी मगर सलमा और शफीक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया क्योंकि सलमा को तो यकीन था कि उसकी सास ने उसे कहीं भेज दिया है वो उसके पैरों में गिर पड़ी कहने लगी खुदा के लिए मेरी मरियम को मेरे हवाले कर दे मैं अपनी बच्ची के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती न जाने वो किस हाल में होगी आपने उसे कहाँ भेजा है मुझे बता दे मैं उसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाऊंगी शफीक भी अपनी माँ की मिन्नते करने लगा मगर सास टस से मस ना हुई शफीक को कहीं से खबर मिली कि उसकी माँ ने मरियम को किसी आदमी के हाथों बेच दिया है वो अपने दोस्त से उस आदमी का पता करवाकर उसके ठिकाने पर पहुँच गया वहा मरियम एक कोने में सहमी हुई पड़ी थी थर थर कांप रही 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 थी रही थी थी रोए जा अपनी को पुकार खुदा का शुक्र कि उसके साथ भी किसी ने कोई ज्यादती नहीं की थी शफीक अपनी बीवी सलमा को भी लेकर गया था सलमा ने जैसे ही मरियम को देखा उसे अपने सीने से लगा लिया अगर वो आज वहा ना पहुँचती तो वो शख्स उसे एक कोठे पर बेचने वाला था उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने उन लोगों को इतनी बड़ी आजमाइश से निकाल दिया उसके बाद शफीक ने सलमा और मरियम को एक अलग घर में रखा अपनी माँ तक को नहीं बताया था क्योंकि उसे भी अब अपनी माँ की असलियत का इल्म हो चुका था अब वो अकेले ही अपने घर में पागलों की तरह तनहाई से बातें करती रहती है बस शफीक हर रोज जाता है और उनकी जरूरत का सामान देकर वापस वापिस आ जाता है